तो कैसे दोस्तों, स्वागत है सबका द्वारा में यूट्यूब चैनल लैक्टोबी में। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करते हैं ना हम लैपटॉप के वेबकैम को लेके, तो आपको पता है कि उसकी क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी गंदी होती है। अगर दूसरी चीज़ों की बात करें तो उसको लेकर काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है। जहाँ तक बात करें प्रोसेसर की बात करते हैं, डिस्प्ले की बात करते हैं, स्पीकर की बात करें या फिर उसकी बैटरी की बात करें, सभी चीज़ों में अभी तक हमको जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। लेकिन जहाँ तक वेबकैम की बात करें तो भाई उसमें इतनी इंप्रूवमेंट हमको देखने को नहीं मिली है। सो अगर हमको लैपटॉप का वेबकैम यूज़ करने का, उसके ऊपर वीडियो रिकॉर्डिंग करने का है या फिर उसमें फोटो लेने का है, तो उसकी क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी गंदी होती है। तो इसी बात को देखते हुए हमको एक बात अब वो निकल के आती है कि क्यों ना हम जो अपने स्मार्टफोन का कैमरा होता है उसको यूज कर सकते हैं लैपटॉप के साथ। क्या हम अपने स्मार्टफोन के कैमरे को एज ए लैपटॉप का वेबकैम यूज कर सकते हैं? इस बात का जवाब है हाँ। और जी आप फ्री में यूज करते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप के साथ अपने मोबाइल का जो कैमरा है उसको कैसे यूज कर सकते हैं एज ए वेबकैम। आपका जो दोनों कैमरा आपके दो एक्सेस कर सकते हैं, अगर आपको अपना पर्सनल कैमरा एक्सेस करने का लैपटॉप का वो भी कर सकते हैं, अगर आपको अपने स्मार्टफोन का कैमरा एक्सेस करने का वो भी कर सकते हैं। ये सब मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे अपने स्मार्टफोन का जो कैमरा है उसको एज ए लैपटॉप का वेबकैम यूज कर सकते हैं। वीडियो के साथ बने रहिए, जी बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी आपको पेड जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को बीच में मत छोड़े। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास आईफोन है तो आपको उसको ऐप स्टोर को ओपन करके उसके ऊपर सर्च करने का आई बी कैम। जैसे आप आई बी कैम करके सर्च मारोगे, आपको जो रिजल्ट मिलेगा पहले वाला ब्लू कलर का आइकन होगा, उसको डाउनलोड करने का है। तो अगर तो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप गूगल के प्ले स्टोर के ऊपर वहाँ जा सकते हैं, वहाँ भी आपको सेम ऐसा लिख के सर्च करने का, वहाँ से भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको पूरी तरह से, जब ये ऐप पूरी तरह से आपकी डाउनलोड हो जाएंगी, उसको ओपन करने के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करने का, सेटिंग में जाके बाकी सेटिंग देख सकते हैं कौन कौन सी सेटिंग इसमें आपको मिलेंगी। तो बाकी उसके बाद आपको जो दूसरा काम करने का वो लैपटॉप के ऊपर जाने के, वहाँ से जाके भी आपको ये वाली जो सेम ऐप है इसको वहाँ से आपके कंप्यूटर के लिए भी आपको वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ कि लैपटॉप में कैसे इसको इंस्टॉल करना है। सो इस सॉफ्टवेयर को आपको अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप के अंदर भी डाउनलोड करना पड़ेगा। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको बताता हूँ कि ऊपर जो आपको लिंक दिख रहा है, ये वाला लिंक, इसके ऊपर जाने का। तो उसके बाद जैसे आप इसके ऊपर लिंक के ऊपर जाओगे, आपको कुछ इस तरह का होम पेज दिखेगा। जैसे आपको इस वाला इस तरह का होम पेज दिखता है, नीचे आपको ऑप्शन मिलेंगी डाउनलोड फॉर विंडो, आपको जस्ट इधर क्लिक करने का है। और थोड़े ऐड आएंगे, इसको बंद कर दे, ऐड को क्लोज कर दे, और नीचे आप देख सकते हैं कि ये डाउनलोड हो रहा है, आप देख सकते हैं। आई थिंक दो बार मेरे से लग गया, तो मैं बेटर एक बार क्या करूंगा, इसको पॉज कर दूंगा। और ये जो, क्योंकि मेरे से दो बार क्लिक हुआ था, आप नीचे देख सकते हैं 17.2 MB का, ज्यादा बड़ा कोई इसका साइज भी नहीं है। जैसे ये पूरी तरह से डाउनलोड होगा, आपको नीचे ये फाइल दिख जाएंगी। उसके बाद आपको क्या करने का, इसको ओपन करने का है। तो आपको जैसे आप दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो वैसे आप इसको इंस्टॉल करें। लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बेटर आप इंग्लिश में ही रखें, क्योंकि आई थिंक हिंदी आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगी। उसके बाद आपसे जो थोड़े एक्सेस मांगेगा, रन एट स्टार्टअप और माइक्रोफोन का एक्सेस मांगेगा, तो ये आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो वो एक्सेस करेंगे ही। उसके बाद आपको इंस्टॉल करने का, तो मेरे पास ओल्ड वर्जन थी, इसने क्या किया कि उसको अनइंस्टॉल करके एक नया जो है वो इंस्टॉल किया। इसके बाद आपको जस्ट फिनिश करने का। तो जैसे आप इसको फिनिश करते हो, उसके बाद आपको क्या करने का कि अपना जो मोबाइल है वो लेके आना पड़ेगा, और साथ में आपको जो केबल है वो भी लेके आनी पड़ेगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने जो मोबाइल को अपने डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे आप इसको कनेक्ट करेंगे, उसके बाद आपके जो मोबाइल है उसमें से भी आपको क्या करना पड़ेगा कि वो जो ऐप है उसको ओपन करना पड़ेगा, जो अब मैंने इंस्टॉल की थी अपने मोबाइल में। अभी मेरे को जो सेम ऐप मैंने आपको बता दिया ना स्टार्टिंग में, मैंने कहाँ से इंस्टॉल की थी, वही ऐप मेरे को जो आई बी कैम वाली जहाँ पे ओपन करनी पड़ेगी। तो जैसे मैं इसको ओपन करूंगा, ये थोड़ा एक्सेस मांगेगा रिकॉर्डिंग का, आप देख सकते हैं। जहाँ पे मैं ट्राई करूंगा कैसा, जे आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो आपको जस्ट जहाँ पे ओके करने का है, फिर ये माइक्रोफोन का एक्सेस मांगेगा, तो आपको फिर से इसको ओके करने का है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो मेरा ऊपर वाला जो कैमरा है ना, ये अभी मेरे अपना मोबाइल का कैमरा है, और नीचे जो मैंने जिसमें मेरी फोटो आ रही है ना, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, वो तो मेरे लैपटॉप का कैमरा है। तो जिसमें मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये मेरे मोबाइल का कैमरा है, देख सकते हैं। ये अभी पीछे वाला मैंने जो कैम है उसको खोल के रखा है। तो अगर आप चाहो तो अपने मोबाइल से जो फ्रंट वाला कैम है उसको भी ओपन कर सकते हैं। मैं अभी आपको फ्रंट का कैम ओपन करके दिखा सकता हूँ, एक फोटो ले सकते हैं। अभी मैंने आपसे वो जो फोटो लेके बताया कि आप इससे फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रंट कैम की बात करें तो अभी आप देख सकते हैं, इसमें फ्रंट कैम से भी आप जो है वो बात कर सकते हैं। ये देखिए,
आपको थोड़ा मोबाइल मूव करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि ये जो अभी आप क्लैरिटी देख रहे हो, जो बड़ी फोटो आप देख रहे हो, ये मेरे मोबाइल से जो हिल रही है अभी, क्योंकि जैसे मैं अपने मोबाइल को शेक करता हूँ ये हिलती है, आगे पीछे हो जाती है, आपको थोड़ा मूव करना पड़ेगा। वो आप सेटिंग में जाके उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि आपको कैसा वर्टिकल ओरिएंटिकल कैसा आपका रख रहे हैं। लेकिन नीचे जो फोटो आ रही है, जो मेरी काफ़ी छोटी फोटो आ रही है, वो मेरे लैपटॉप का वेबकैम है। अगर आपको अपने लैपटॉप का वेबकैम अच्छा बनाने का, उसकी रिकॉर्डिंग आप चाहते हो कि अच्छी रिकॉर्डिंग हो, बल्कि आपके अगर वेबकैम की बात करें, जो लैपटॉप में इन बुलट आता है उसकी क्वालिटी की बात करें, तो भाई बहुत गंदा उसकी क्वालिटी होती है। लेकिन आप अपने आईफोन के साथ या फिर अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है उसके साथ भी आप जो है उसको भी वेबकैम बना सकते हैं एज ए फ्री, कोई भी आपको उसमें पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये फ्री सॉफ्टवेयर है। तो अगर मैं जहाँ पे जो मेरे लैपटॉप का कैमरा, अगर मैं उसके अंदर भी जाता हूँ ना, ये देख सकते हैं आप, कैमरा के अंदर जाऊँगा ना जो प्री इंस्टॉल है उस पर, तो उसमें भी जो कैमरा होगा वो मेरे इसका एक्सेस करेगा, जो कि मेरे मोबाइल का कैमरा होगा। आप देख सकते हैं ये इसका एक्सेस कर रहा है ये कैमरा, आप देख सकते हैं कि मैं इसको हिला रहा हूँ। या फिर अगर मैं चाहूँ तो इसको इसका जो पीछे वाला कैमरा भी चेंज कर सकता हूँ, तो मैं आगे वाला भी चेंज कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी मैं जहाँ पर भी मैं जो कैम यूज कर सकता हूँ, मैं जो आई बी कैम है जो मैंने इंस्टॉल किया, बल्कि जो इसका प्री इंस्टॉल जो इसके अंदर कैमरा, उसमें भी मैं इसको यूज कर सकता हूँ। इसमें फोटो ले सकता हूँ, जहाँ मेरे को वीडियो रिकॉर्डिंग करने का वो भी कर सकता हूँ, कुछ भी मैं इसके थ्रू कर सकता हूँ। दोस्तों यही था जो मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो दुखी थे, यार लैपटॉप के वेबकैम की बात करें उसकी क्वालिटी काफी गंदी होती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे अगर आपके पास आईफोन है या फिर अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है, उसको कैसे आप अपने लैपटॉप में के साथ यूज कर सकते हैं एज ए वेबकैम। तो यही था जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताना चाहता था। आई होप कि आपको बहुत सारी इसमें इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना, कमेंट भी जरूर करना। जो दोस्त मेरे नहीं है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई प्लीज वो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।